पाकिस्तान जंग में कभी पहल नहीं करेगा। एटमी ताकतों में तनाव बढ़ा तो दुनिया को खतरा होगा। कश्मीर का मसला मुजाकरात से हल किया जा सकता है। सिखों को मल्टीपल वीजे जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा। बोले फजाया ने फरवरी में फजाई हदूद का कामयाबी से दिफा किया। मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम का पर्दा चाक। मकबूजा कश्मीर की आवाज यूरोपी पार्लियामेंट तक पहुंच गई। यूरोपी पार्लियामेंट की खारजा कमेटी का इजलास मकबूजा कश्मीर की सूरतहाल तश्वीशनाक करार दे दी। पाक फौज का पैगाम मकबूजा वादी में घर घर पहुंच गया। श्रीनगर में पाक फौज की हिमायत में रैली। शुरका ने DDISPR की तस्वीर उठाकर नारे लगाए। कश्मीर की शाहराओं और गलियों में मेजर जनरल आसिफ गफूर के पोस्टर्स आवेजा। पोस्टर्स पर कश्मीरियों के लिए आखिरी गोली और सिपाही तक लड़ने का बयान तहरीर। Anyone has taught us how to play information operations, it is the ISPR of Pakistan, who's done it marvelously. I like to give it back to them always. What I must give full marks to Pakistan for that, at that time, was the manner in which the information strategy was played out. ISPR did an outstanding work for Pakistan. तारीफ वो जो दुश्मन करे। पाक फौज ने इत्तेलात की जंग में दुश्मन को शिकस्त दे दी। साबिक भारतीय फौजी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन के इतराफ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का साबिक सरबरा AS दुल्लत भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का मोतरिफ। कहा इमरान खान बेहतरीन शख्सियत हैं जिनके साथ बातचीत की जा सकती है। पाकिस्तान आर्मी के साथ इमरान खान के ताल्लुकात मिसाली हैं। बरतानवी पार्लियामेंट कश्मीर के मामले में किरदार अदा करे। बरतानवी पार्लियामेंट की वेबसाइट पर पिटीशन दायर। पिटीशन पर 1,00,000 दस्तखत मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट इस पर बहस करेगी। भारत से कशीदगी के बावजूद जज्बा खैर सगाली। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को काउंसलर रिसाई दे दी। भारतीय जासूस की इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात। 2 घंटे की मुलाकात में पाकिस्तानी सिफारती अमला भी साथ रहा। तालिबान और अमरीका के दरमियान मुआहदे पर उसूल इत्तेफाक। मुसविदा भी तैयार। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जलमे खलीलजाद ने कहा अमन मुआहदा ट्रंप की रजामंदी तक फाइनल नहीं होगा। मुआहदे के तहत अमरीका 5,000 अहलकारों का इनखिला करेगा। नैब का कारकर्दगी के मुतालिक इजलास। 22 माह में 71 अरब रुपए की रिकवरी। चेयरमैन नैब कहते हैं बदउनवान अनासिर से लूटी रकम बरामद करना अव्वलीन तरजीह है। ATM कार्ड चुराने वाले मुलजिम की हलाकत ने कई सवाल उठा दिए। मुलजिम सलाहुद्दीन के वालिद की मुदैयत में मुकदमा दर्ज। थाना SHO तफ्तीशी ऑफिसर और दीगर अहलकार मुकदमे में नामजद। 3 मुहर्रम का दिन आ गया। यजीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला पहुंचने का इल्म होता है। यजीद करबला की तरफ फौज रवाना करने का हुक्म देता है। शहर कायद में वक्फे से बारिश। सिलसिला आज दोपहर तक जारी रहेगा। 3 से 4 रोज में कराची में बादलों का नया सिस्टम दाखिल होगा। बारिशों का नया सिस्टम काफी ताकतवर हो सकता है। महकमे मौसमियात की पेशगोई। बहामास में समुद्री तूफान डोरे ने तबाही मचा दी। घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त और खंभे गिर गए। साहिली इलाकों में घर और गाड़ियां डूब गईं। तूफान आज अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराएगा। जॉर्जिया, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में भी तबाही का खदशा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंडीशनिंग कैंप में 2 रोजा प्रैक्टिस मैच। पहले रोज सरफराज 11 ने 7 विकेटों पर 355 रन बनाए। इमामुल हक और इफ्तिखार अहमद ने सेंचुरियां स्कोर की। सरफराज अहमद वार्म अप मैच में भी नाकाम रहे। पाकिस्तान जंग में कभी पहल नहीं करेगा। एटमी ताकतों में तनाव बढ़ा तो दुनिया को खतरा होगा। कश्मीर का मसला मुजाकरात से हल किया जा सकता है। सिखों को मल्टीपल वीजे जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा।
बोले फजाइया ने फरवरी में फजाई हदूद का कामयाबी से दिफा किया। मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम का पर्दा चाक, मकबूजा कश्मीर की आवाज यूरोपीय पार्लियामेंट तक पहुंच गई। यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा कमेटी का इजलास, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तश्वीशनाक करार दे दी। पाक फौज का पैगाम मकबूजा वादी में घर घर पहुंच गया। श्रीनगर में पाक फौज की हिमायत में रैली, शुरुका ने DDISPR की तस्वीर उठाकर नारे लगाए। कश्मीर की शाहराओं और गलियों में मेजर जनरल आसिफ गफूर के पोस्टर्स आवेजा, पोस्टर्स पर कश्मीरियों के लिए आखिरी गोली और सिपाही तक लड़ने का बयान तहरीर। Anyone has taught us how to play information operations, it is the ISPR of Pakistan, who's done it marvelously. I like to give it back to them always. What I must give full marks to Pakistan for that, at that time, was the manner in which the information strategy was played out. ISPR did an outstanding work for Pakistan. तारीफ वो जो दुश्मन करे, पाक फौज ने इत्तेलात की जंग में दुश्मन को शिकस्त दे दी। साबिक भारतीय फौजी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अताफ हुसैन के इतराफ, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का साबिक सरबरा AS दौलत भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का मोतरिफ, कहा इमरान खान बेहतरीन शख्सियत हैं जिनके साथ बातचीत की जा सकती है। पाकिस्तान आर्मी के साथ इमरान खान के ताल्लुकात मिसाली हैं। बरतानवी पार्लियामेंट कश्मीर के मामले में किरदार अदा करे, बरतानवी पार्लियामेंट की वेबसाइट पर पिटीशन दायर, पिटीशन पर 1,00,000 दस्तखत मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट इस पर बहस करेगी। भारत से कशीदगी के बावजूद जस्बा खैर सगाली, पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को काउंसलर रिसाई दे दी। भारतीय जासूस की इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात, 2 घंटे की मुलाकात में पाकिस्तानी सिफारती अमला भी साथ रहा। तालिबान और अमरीका के दरमियान मुआहदे पर उसूल इत्तेफाक, मुसविदा भी तैयार। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जलमे खलील जाफ ने कहा अमन मुआहदा ट्रंप की रजामंदी तक फाइनल नहीं होगा। मुआहदे के तहत अमरीका 5,000 अहलकारों का इनखिला करेगा। नैब का कारकर्दगी के मुतालिक इजलास, 22 माह में 71 अरब रुपए की रिकवरी, चेयरमैन नैब कहते हैं बदउनवान अनासिर से लूटी रकम बरामद करना अव्वलीन तरजीह है। ATM कार्ड चुराने वाले मुलजिम की हलाकत ने कई सवाल उठा दिए। मुलजिम सलाहुद्दीन के वालिद की मुदैयत में मुकदमा दर्ज, थाना SHO, तफ्तीशी ऑफिसर और दीगर अहलकार मुकदमे में नामजद। 3 मुहर्रम का दिन आ गया, यजीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला पहुंचने का इल्म होता है, यजीद करबला की तरफ फौज रवाना करने का हुक्म देता है। शहर कायद में वक्फे से बारिश, सिलसिला आज दोपहर तक जारी रहेगा। 3 से 4 रोज में कराची में बादलों का नया सिस्टम दाखिल होगा, बारिशों का नया सिस्टम काफी ताकतवर हो सकता है, महकमे मौसमियात की पेशगोई। बहामास में समुद्री तूफान डोरेन ने तबाही मचा दी, घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त और खंभे गिर गए, साहिली इलाकों में घर और गाड़ियां डूब गईं। तूफान आज अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराएगा, जॉर्जिया, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में भी तबाही का खदशा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंडीशनिंग कैंप में 2 रोजा प्रैक्टिस मैच, पहले रोज सरफराज 11 ने 7 विकेटों पर 355 रन बनाए, इमामुल हक और इफ्तिखार अहमद ने सेंचुरियां स्कोर की, सरफराज अहमद वार्म अप मैच में भी नाकाम रहे। 3 मुहर्रम का दिन आ गया, यजीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला पहुंचने का इल्म होता है, यजीद करबला की तरफ फौज रवाना करने का हुक्म देता है। शहर कायद में वक्फे से बारिश, सिलसिला आज दोपहर तक जारी रहेगा। 3 से 4 रोज में कराची में बादलों का नया सिस्टम दाखिल होगा, बारिशों का नया सिस्टम काफी ताकतवर हो सकता है, महकमे मौसमियात की पेशगोई।
बहामास में समुद्री तूफान डोरेन ने तबाही मचा दी, घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त और खंभे गिर गए, साहिली इलाकों में घर और गाड़ियां डूब गईं। तूफान आज अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराएगा, जॉर्जिया, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में भी तबाही का खदशा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंडीशनिंग कैंप में दो रोजा प्रैक्टिस मैच, पहले रोज सरफराज 11 ने 7 विकेटों पर 355 रन बनाए, इमामुल हक और इफ्तिखार अहमद ने सेंचुरियां।